फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है डिस्टिंग्विश्ड मेंबर्स फ्रॉम संत समाज एंड सिख कम्युनिटी मीट पीएम मोदी। चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के गृह विखे सारिया संस्थावां दे साडे धार्मिक संस्थावां और देश दीआं प्रमाणित हस्तियां अज इत्थे इकट्ठियां होईआं ने। आप लोगों के बीच में रह करके जो मैं सीखा हूँ, जो गुरु महाराजों ने सीख दिए है, सब तो नहीं कर पाता हूँ, लेकिन जितना कर पाता हूँ उसी से मुझे आशीर्वाद मिलते हैं और मैं कर और ज्यादा करने का मन करता है। ढंग से रखना है, नीचे छूना नहीं चाहिए, कुछ भी नीचे नहीं छूना चाहिए। श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का आभार व्यक्त करदा, जिन्होंने भारत को माननीय मोदी जी जैसे प्राइम मिनिस्टर दिते हैं। क्या पहले हमारे देश के माननीय प्राइम मिनिस्टर जी हैं जिन्होंने साहिबजादों के सम्मान को हर हृदय तक पहुँचाने का एक सफल प्रयास किया है। मैं सोचता हूँ आपका हृदय एक सिख हृदय है। कभी देखा पहले कभी? अमृतसर में आपको मिले थे जी, और उसके बाद आज मिले। कितना साल हो गया जी? हमारे यहाँ गुजरात में तो कहा जाता है कि जब संतों की महापुरुषों की चरण रज आपके घर में पड़ती है तो आपका जीवन धन्य हो जाता है। तो आज आपकी चरण रज मेरे घर में हुई है, ये मेरा सौभाग्य है। मोदी जी, बड़ी कृपा आपकी जो आप कर रहे हो परमात्मा, हम तो दुआ करने आए हैं कि आपको और ताकत मिले और सिखों को, जो हम सारी उम्र ये था कि हमारा भी कुछ देखेगा, आप कर रहे हो, इसे ज्यादा करो, परमात्मा आपका भला करे। ये देश कोई 47 में पैदा नहीं हुआ है जी। हमारे गुरु महाराजों ने कितनी तपस्या की है इमरजेंसी में, बहुत बड़ा हमारे जुल्म हम सब पे हुआ। और मैं तो तुम्हारा बराबर पता है, उस समय पंजाब में जो सत्याग्रह हुआ था इमरजेंसी के खिलाफ, तो बड़ा अद्भुत था जी। अब मैं उस समय अंडरग्राउंड रहता था, तो अंडरग्राउंड रहना है तो कुछ कपड़े वपड़े बदलने पड़ते थे, तो मैं सीख के कपड़ों में ही रहता जी, पगड़ी पहनता था। अरे सेवा मुझे करनी है। क्या कह रहे? सेवा आज मुझे करनी है। अरे अरे अरे, सो स्वीट। देखे कोई पीएम ऐसे कभी कहीं नहीं देखे। साहब कोरोना में ये आप ही लोग हैं जिनको ऑक्सीजन का लंगर लगाने का मन कर गया। देखा, ये छोटी बात नहीं जी। अब मुझे बताइए, अफगानिस्तान से इतना अभी भी हमारा कोई वहाँ हवाई जहाज जाना आना शुरू नहीं हुआ है, लेकिन गुरु ग्रंथ साहब सम्मान से वापस आना चाहिए, तो हमने उस व्यवस्था की दुनिया के देशों से बात की, यहाँ तक लाने के लिए स्पेशल प्लेन का प्रबंध किया। और मैंने मेरे मंत्रियों का माना भी, देखिए मैं मानता हूँ ये मेरे लिए सेवा का बहुत बड़ा अवसर है। आप जाइए, सिरसा जी भी गए, हमारे हरदीप पुरी जी गए, सर पर गुरु ग्रंथ साहब को लेकर के साथ सम्मान के साथ, क्योंकि मैं मानता हूँ जी ये हमारे जीवन की बहुत बड़ा अनमोल रत्न है। सही, अनमोल रत्न है जी। गुजरात का होने के नाते हमेशा कहता हूँ कि मेरा तो आप लोगों से खून का रिश्ता है,
क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी के जो पहले पंच प्यारे थे उसमें एक मेरे गुजरात का द्वारिका का था, गुरु नानक देव जी के जीवन में साहब उन्होंने जीवन की साधना का सबसे ज्यादा समय जहाँ बिताया वो स्थान हमारे पास न हो, 6 किलोमीटर दूर समझौता करके हम नहीं ला सके था। मैंने भी डिप्लोमेटिक चैनल शुरू की कम से कम, क्योंकि दूरबीन से साहब सब लोग, मैं भी दूरबीन से देखता था पहले जब पंजाब रहता था, मैं भी दूरबीन से दर्शन करता था जी, तो मेरा मन करता था कि भाई कुछ तो करे, कि ऐसा पवित्र काम था, गुरु महाराजों का आशीर्वाद था, तो हो गया। और इतने कम समय में जो वहाँ हमने जगह बनाई है, आप में से बहुत लोग गए हैं, इतने कम समय में जी ये श्रद्धा के बिना नहीं होता जी। तो मैं आपको कहता हूँ ये घर आपका है, मैं भी आप ही की तरह चलते चलते आया हूँ, कल चलते चलते की गुरुद्वारे चला जाऊँ। तो फ्रेंड्स क्या प्यारा वीडियो था ना, बहुत ही प्यार था। मोदी जी ने खास उनको अपने वहां घर में बुलाया है और कहा ये अपना ही घर समझना, बहुत ही अच्छा था वो। अच्छा उन्होंने ये बताया कि इमरजेंसी के टाइम में मुझे भी मतलब जो है भेष बदल के रहना, अंडरग्राउंड रहना पड़ा था, मुझे नहीं पता था ये बात, ये मुझे आज पता चली है। और कह रहे मैंने तब पगड़ी बांध के सिख की टाइप बन के वैसे अपना भेष बदल के मैं रह रहा था, तो कमाल की बात है। और वो कह रहे हैं कि हमें पता है कि इमरजेंसी के टाइम में क्या हुआ था, और ऐसा लगता है कि मोदी जी के ऊपर भी प्रॉब्लम्स थी कि उनको उनकी भी जान को खतरा था और उनको भी अंडरग्राउंड होना पड़ा था, तो अंदर पॉलिटिक्स क्या हुई थी ये हमें नहीं समझ में आया। पर जिस तरह से मोदी जी ने उनको बुला के इतना अपनापन, इतना सम्मान, और जब वो सारे वो उतारे उन्होंने तो खास उनको सबको बोल रहे थे कि एक जो है बिल्कुल भी ग्राउंड पे टच नहीं होना चाहिए, तो बार बार किया। और जब उनको उनसे संभल नहीं रहते, इतने सारे थे, तो खुद हेल्प करके मेक श्योर किया कि कोई भी एक भी उसमें से जो है जमीन पे टच ना हो। बहुत ही सुंदर था, इतनी रिस्पेक्ट दिया उन्होंने, दिल जीत लिया। नहीं बहुत अच्छा, देखिए मोदी जी जो है प्यार बढ़ा रहे हैं, वो कह रहे हैं चलिए जो भी मतलब उन्होंने देखा पहले कि उन्होंने फार्मर्स देखे, उनको लगा कि कुछ ऐसी बात है कि वो समझ नहीं पा रहे कि एक्चुअली प्यार है, दुख की बात वो यही बता रहे हैं। देखिए बीजेपी वैसी नहीं है जैसे आपको लगता है, सिक्स के अगेंस्ट नहीं है हम किसी रिलीजन के। आप याद रखिए कि इमरजेंसी किसने की थी, इमरजेंसी, और याद रखिए कि कौन गया था रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के अंदर, क्या क्या हुआ था, वही इमरजेंसी का रेफरेंस दे रहे हैं। तो इस बात को आप याद रखिए कि किसने इस पूरी, जो हमने कई वीडियोस देखे हैं उसमें बताया गया था कि किस तरीके से पॉलिटिकल गेन के लिए ये सब किया गया था, और पॉलिटिकल गेम के लिए एक पार्टी ये सब करती है और उससे क्या होता है, मतलब देश का लॉस, देश का लॉस, लोगों की जान जाती है और इनोसेंट लोग अननेसेसरी मतलब कोई पड़ती है दिलों में, खालिस्तान का शुरू हो जाता है उसी से। बिल्कुल, और अभी उससे पहले कुछ नहीं था कॉन्सेप्ट, उससे पहले कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, किसी ने अपना मास्टरमाइंड लगाया पॉलिटिकल गेन के लिए, वो पूरा उल्टा हो गया, उससे प्रॉब्लम चालू हो गई और आज तक जो चल रही है। तो वही मोदी जी कह रहे हैं कि ये सब खत्म करेंगे, और जो आपकी रिक्वायरमेंट्स है आप बताइए, हमारी गवर्नमेंट आपको वो सब देगी जो आपको चाहिए एज लॉन्ग एज वो जस्टिफाइड है। तो वही मोदी जी बता रहे थे कि भाई मेरा कनेक्शन है आपसे और हमारी गवर्नमेंट जो है बेटर करेगी आपके लिए, और वो भी कह रहे थे कि आपने जो किया कभी किसी ने नहीं किया। बिल्कुल, तो उन्होंने ये क्लियर किया कि देखिए हमारी गवर्नमेंट बेटर है और आपकी जो भी मांगे हैं वो हम पूरी करेंगे, हमारे साथ आप जुड़िए रादर देन उस पार्टी के साथ जिसने आपको इमरजेंसी दी है और ज्यादा अच्छा नहीं किया। तो अच्छा वीडियो था, यस फ्रेंड्स, बहुत ही प्यारा था। तो चलो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय-बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।